हेलो गाइस, दिस इज कुशाग। वेलकम टू कुशाग स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक राइट्स। सो जो कि है कि इस सिविक्स एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। सो इसी के साथ साथ क्या होगी हमारी ये सिविक्स की जो है क्लास 9th का वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इसे हम पूरा पढ़ चुके होंगे आज, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं और डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं। सो अब राइट लेफ्ट ये बात आती है, चलिए देखते हैं। यानी कि देखिए राइट्स क्या होते हैं और लेफ्ट, यानी कि हमने लेफ्ट साइड तक अभी क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम राइट साइड अब क्या पढ़ेंगे, राइट साइड हम पढ़ेंगे सिटीजन्स। मैं राइट का मतलब बता दूंगी आपको, सिटीजन्स एंड देयर राइट, सिटीजन एंड देयर राइट। सो ये क्या है, ये राइट की तरफ आते हैं, है ना। और लेफ्ट में जो चीज है अभी तक हम पढ़ दो आए हैं वो क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है और क्या है, एक डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, ट्यूशन हमने पढ़ा है, इलेक्शन हमने पढ़े हैं, इलेक्शंस, इलेक्शन पढ़े हैं, इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, टी ट्यूशन, ठीक है। और देयर वर्क और इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करता है ये हमने पढ़ा है। ये सब चीजें हमने लेफ्ट साइड पढ़ी। अब राइट साइड में हमने क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं अब तो क्या पढ़ेंगे, सिटीजन एंड डियर राइट, यानी सिटीजन और उनके राइट कैसे, क्या क्या राइट होते हैं उनके, ये भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो और ये देखिए राइट होता क्या है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अब हमें राइट की क्यों जरूरत होती है ये भी हम चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे। और लेफ्ट साइड में यानी कि हमने जो अभी तक जो आने वाले जो यानी कि जो अभी तक चैप्टर आते हैं उनमें हमने क्या पढ़ा था, डेमोक्रेसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में और उनका वर्क कैसे होता है इंस्टीट्यूशन का, ये हमने डिस्कस करा था, ठीक है। और इतनी सारी बातें क्या हमने डिस्कस करी थी इस उस चैप्टर्स में, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट्स के बारे में हम पूरा इसमें चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट क्या होता है, सिटीजन के राइट्स कौन कौन से, कितने राइट्स होते हैं, है ना। सो इस चैप्टर में जो फर्स्ट बात आती है वो हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लाइफ विदाउट राइट्स, विदाउट लाइफ, लाइफ विदाउट राइट्स। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, तीन देशों की कहानी पढ़ेंगे। अब फर्स्ट क्या होगा, वो फर्स्ट होगा तीन स्टोरियाज पढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट होगा प्रेसन इन गोटानामो बे। अब प्रेसन इन गोटानामो वो ये पढ़ेंगे हम। और जो सेकंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिटीजन्स राइट इन साउथ अरेबिया। फिर थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एथेनिक मैस्केर इन कोसोवो। सो इन तीन चीजों की हम कहानी पढ़ने वाले हैं, यानी कि गोटानामो बे और सऊदी अरेबिया और कोसोवो, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं प्रिजन इन गोटानामो बे। अब प्रिजन इन गोटानामो बे ये क्या है, यानी कि ये जो हमारा यूनाइटेड स्टेट होता है, यानी कि यूएस जैसी जगह जो होती है, देखिए यूएस जैसी जगह होती है उनके, यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो होते हैं उनके पास यहाँ पे क्या है, ये जेल है गोंटानामो। ये गोंटानामो एक गोंटानामो बे जेल है वहां की, ठीक है। अब यूएस की है ना, अब क्या हुआ क्या थी कि इन्होंने 600 प्यूपल्स को इस जेल में डाल दिया, 600 प्यूपल को इस जेल में डाल दिया। अब क्यों डाला, यानी कि ये क्यों डाला है, 600 पीपल को क्या क्यों डाला, क्या करा था उन्होंने, एक आर्गुमेंट होता है ना, आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, ये जब वो यूएसए की पुलिस डालेगी, यानी कि पुलिस को ये भी देखना रहता है कि उनका आर्गुमेंट क्या है, कि अरेस्ट क्या है, सबूत क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो ये जो जब न्यूयॉर्क ने जो अटैक किया था
यूएस की एक जगह पे, उसमें से तो 600 पीपल थे वो भी शामिल थे इसमें, यानी कि जो न्यूयॉर्क जो था, न्यूयॉर्क ने जो क्या कर रहा था, हमला अटैक किया था किस पर, यूएसए पर अटैक जब किया था, ठीक है, अटैक किया था यूएसए पे, तो क्या हुआ था, जब यूएसए पर अटैक किया था तो यूएसए के ये 600 पीपल इसमें शामिल थे, इसलिए इन्हें गुआंटानामो जेल में डाल दिया गया, ठीक है, ये है गुआंटानामो जेल, इसमें इन्हें डाल दिया गया, ये जो 600 पीपल जो है इन्हें डाल दिया गया, ठीक है, ये पीपल से सारे इन्हें डाल दिया जाएगा जेल में। अब क्या हुआ कि इसके बाद जब इन्हें जेल में डाल दिया, फिर क्या हुआ, एक एमनेस्टी इंस्टीट्यूशनल, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल वो चीज होती है जिसमें क्या होता है कि तो जितने भी ह्यूमन बीइंग है ना, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसे हम कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब जो अब वहां की एक यूएन सिक्योरिटी है, यूएन सिक्योरिटी यूएसए की, उसने क्या किया, जो प्रिजन है गुआंटानामो बे के, उन्हें क्या कर दिया, क्लोज डाउन कर दिया, जो गुआंटानामो बे के जो प्रिजन है उन्हें क्या कर दिया, क्लोज डाउन कर दिया, राइट। अब और जो यूएस था ना, यूएस ने एक क्या कर दिया था, यूएस जो था इसने क्या कर दिया था, एस्पेक्ट कर लिया था क्या, एक आर्गुमेंट, सो उसे भी क्या कर दिया गया, रिफ्यूज्ड कर दिया गया, जो यूएस ने क्या करा था, एस्पेक्ट किया था उसे, ठीक है। अब इतनी बात है, गुआंटानामो बे में पड़ी हमने, यानी कि इसमें कैसे 600 पीपल की क्या गलती थी, उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो यूएन सिक्योरिटी क्या है, एमनेस्टी, यूएन सिक्योरिटी ने प्रिजन को क्लोज डाउन कर दिया था और ये रिफ्यूज कर दिया जो एस्पेक्ट थी उसके प्रिजन की, ठीक है। अब इतना तो हमने क्या पढ़ा, गुआंटानामो बे प्रिजन इन गुआंटानामो बे में पढ़ा। अब आते हैं सिटीजन इन सऊदी अरेबिया, ये क्या है, अब जो सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी अरेबिया जो है उसमें क्या है, उसका जो किंग है, किंग जो है, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, वो क्या है, हेरिडेटरी है, वो क्या है, कैसा है, हेरिडेटरी है, और वहां की जो पीपल है ना, वो रूलर जो है वहां के, वो प्यूपिल से इलेक्ट होके इलेक्टेड नहीं है, वहां के जो रूलर वो प्यूपिल से इलेक्टेड हुए नहीं है, ठीक है। अब ये जो है सऊदी अरेबिया जो है उसका जो किंग है उसने क्या कर दिया, उसका जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर जो है एस वेलेस, वो किसकी तरह है, एग्जीक्यूटिव की तरह, राइट। अब लेजिस्लेचर कैसा है, एग्जीक्यूटिव की तरह। अब थर्ड जो बात आती है उसमें क्या है कि वो जो सिटीजन्स है ना वहां के, जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स जो है वहां के, क्या सिटी, तो जी स्पेलिंग जो हुई थी, सिटीजन्स जो है वहां के, अब वो जो है उनके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, उन सिटीजन उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उनके पास, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया के जो सिटीजन थे। और जो वुमेन थी ना वो सब्जेक्टेड थी, क्या वुमेन जितनी वो सब्जेक्टेड थी किस चीज में, जो रेस्ट्रिक्टेशन के लिए, वहां पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेशन के लिए क्या थी, वो रेस्ट्रिक्टेशन के लिए सब्जेक्टेड होती थी वहां के जितने भी वुमेन थे, ठीक है। अब ये क्या है, इतनी बात तो हमने पढ़ी, सिटीजन राइट इन सऊदी अरेबिया, कैसे सिटीजन से क्या क्या राइट है सऊदी अरेबिया में। अब आते हैं इसके बाद एथनिक मैस्कर इन कोसोवो, कोसोवो एक काम पढ़ेंगे हम, कोसोवो जो था, अब जो ये कोसोवो है ना, इसमें
अल्बियंस और एबियंस की थी, अल्बियंस की, अल्बियंस तो सॉरी अल्बियंस, अल्बियंस की थी। पर वहां पे जो मेजोरिटी राज कर रही थी वो कौन थी? वो शर्ब मेजोरिटी थी, शर्ब मेजोरिटी थी। पर पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी? अल्बियंस की। अब जो फिर जब इलेक्शन हुए थे ना उसमें शर्ब शर्ब में से एक कोई जीता, कौन जीता? वो मिल्सोविक। कौन? मिल्सोविक, मिल्सोविक जीता, मिल्सोविक जीता। तो उसे क्या थे? शर्ब पसंद थे और उसे अल्बियंस नहीं पसंद थे। सो उसने क्या किया? अल्बियंस को इस कंट्री से निकालना चाहिए, क्या कर दिया? इस कंट्री से लीव, यानी कि निकालना चाहिए, लीव करना चाहिए। और जो ये शर्ब्स हैं इन्हें क्या कर देना चाहिए? डोमिनेट करना चाहिए, शर्ब ज्यादा आने चाहिए इस कंट्री में। तो क्या करा कि एक अल्बियंस फैमिली थी, एक अल्बियंस फैमिली थी। और ये कब की बात है? 1999 की। सो उस अल्बियन फैमिली में क्या हुआ की थी कि 74 ईयर की एक वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ रहते थे उसमें। सो 74 ईयर की तो वाइफ थी और 77 ईयर का क्या था? हस्बैंड। फिर क्या था कि वो अल्बियन फैमिली थी। तो जैसे आपको पता है कि क्या, जब वो कुछ सोल्जर्स क्या थे इनके घर में चले गए, है ना, घर में गए कुछ सोल्जर उनके घर में चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि हस्बैंड जो था उन्हें तीन गोली मारी गई, ठीक है, तीन गोली मारी गई। अब वाइफ जो थी, वाइफ की अंगूठी रिंग जो थी, रिंग को निकाल दिया गया, यानी कि रिंग को उसके हाथ में से निकाल दिया गया, ठीक है। और जो ये दोनों थे इन्हें घर में से निकाल दिया, इनके हाउस में से निकाल दिया, है ना। तो क्या हुआ कि इनका जो हाउस था इसे जला दिया, इनका जो हाउस था इन्हें जला दिया, ठीक है। सो इतनी बात किसने पढ़ी हमने? कोसोवो की कहानी में, ठीक है, कोसोवो की। सो ये क्लियर हुआ? इतनी बातें तो हमने किसमें पढ़ी? कोसोवो में। अब इसके बाद आते हैं हम कि सिटीजन वो सॉरी राइट्स इन डेमोक्रेसी। अब क्या ये कहा गया कि राइट जो है वो क्या डेमोक्रेसी में हो सकते हैं? क्यों नहीं? अब डेमोक्रेसी होगी तभी तो वहां हमें डेमोक्रेसी, जिस कंट्री में क्या है डेमोक्रेसी है, उसी कंट्री में तो हमें राइट्स मिलेंगे, वरना कैसे राइट्स मिलेंगे? जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है तो उस कंट्री में राइट्स भी होंगे, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो उस कंट्री में राइट्स भी नहीं होंगे। पर जैसे हमारे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी भी है, राइट्स भी है, सिटीजन के पास राइट्स भी है। अब कौन कौन से राइट्स हैं ये हम अभी आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सो अब ये देखिए कि राइट्स होता क्या है, राइट्स क्या होता है? राइट इज ए रिस्पॉन्सिबल क्लेम। राइट इज अ रिस्पॉन्सिबल क्लेम ऑफ अ पर्सन recognized by society and sanctioned by laws। यानी इसमें ये कहा गया राइट जो है, राइट क्या है? और क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए
वो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबल क्लेम भी होने चाहिए। अब ये क्लियर हो गया। और इसके बाद आते हैं कि डेमोक्रेसी में राइट होना क्यों जरूरी है, हमारे लिए डेमोक्रेसी में राइट होना क्यों जरूरी है, अब क्यों होना जरूरी है जब डेमोक्रेसी में। अब देखिए कि क्यों होना चाहिए। अब ये जो राइट है वो जो डेमोक्रेसी है उसका सस्टेंस है, क्या है, एक सस्टेंस है ना। और ये जो राइट है वो एक स्पेसिफिक रोल भी करता है, किसमें, डेमोक्रेसी में। और ये जो है कि ये जो राइट है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मिनोरिटी को किससे, ऑपरेशन से, किसके ऑपरेशन से, मेजोरिटी के ऑपरेशन से वो मिनोरिटी को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो राइट है ना वो कभी कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, कुछ कुछ डेमोक्रेसी में जो बेसिक राइट होते हैं सिटीजन के वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी होते हैं, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया। सो इतनी बात क्या है, ये हमने पढ़ी व्हाई डोमिनेट डेमोक्रेसी इन राइट, क्यों जरूरी होती है, और इतनी ये और व्हाट आर राइट क्या है, ये हमने किसमें पढ़ा कि राइट इन डेमोक्रेसी, राइट जो है वो डेमोक्रेसी में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे राइट, कितने कैसे राइट है। सो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल है, फंडामेंटल। अब इंडिया के बात चल रही है, कौन कौन से राइट होते हैं सिटीजन के पास इंडिया में। अब सिक्स राइट्स होते हैं। फर्स्ट होता है राइट्स टू इक्वालिटी और राइट्स टू फ्रीडम। थर्ड होता है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। फोर्थ होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फिर होता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। फिर होता है लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडीज, ठीक है, फ्रीडम डीज है ना, फ्रीडीज, ठीक है, ये होता है। अब इतने सारे फंडामेंटल राइट है जिन्हें एक एक करके समझते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, इसमें जो जैसे मान लिया कि इंडिया के जो पर्सन है वो कुछ पर्सन ऐसे भी है बिफोर द लॉ बनने से पहले है, पर वो क्या है, प्रोटेक्शन पे नहीं हो रहा है जितने लॉज करती है, ठीक है, इतना होता है। अब कहने का मतलब ये है कि जिस सिटीजन के पास क्या है, राइट ऑफ इक्वालिटी है, यानी कि लॉज का मैनर क्या करा जाता है, लॉज को इक्वल मैनर में लिया जाता है ना, लॉज होते हैं उन्हें इक्वल मैनर में लिया जाता है, ठीक है, इसी को हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, राइट। अब ये समझ में आ गया राइट टू इक्वालिटी क्या है। अब इसके बाद आता है राइट टू इक्वालिटी के बाद हमारा राइट टू फ्रीडम। अब ये फ्रीडम क्या होता है, राइट टू फ्रीडम, सो इसमें भी बहुत सारे राइट टू फ्रीडम होते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसका डेमोक्रेसी में एक स्पेसिफिक फीचर होता है, ये कौन सा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब ये हुआ क्लियर। अब जो है कि ये जो होता है हमारा क्या, ये फ्रीडम टू राइट होता है, फ्रीडम टू राइट, ये क्या होता है, जो जिस भी सिटीजन के पास ये होता है वो क्या करता है, होल्ड मीटिंग करता है मीटिंग को, और क्या करता है, प्रेसिजंस भी करता है ना, प्रेसिजंस करता है। फिर प्रेसिजंस के बाद वो क्या करता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन करता है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन करता है इन एनी इश्यूज, उन इश्यूज में डेमोन्स्ट्रेशन करता है ये, ठीक है। कौन सा राइट हमारा, फ्रीडम टू राइट। और ये फ्रीडम राइट टू राइट जिस भी सिटीजन के पास होगा वो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, पूरी कंट्री में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम, ये समझ में आया राइट टू फ्रीडम क्या होता है। अब राइट टू फ्रीडम समझ में आ गया। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, ठीक है। सो देखिए क्या होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। सो क्या होता है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, सो ये किसके अगेंस्ट होते हैं, ये वाले राइट एक्सप्लोनेशन के। सो देखिए क्या होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, सो इसमें कुछ क्या होते हैं, इसमें कुछ तीन तरीके होते हैं, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन के, वो क्या है, फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स,
यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें ये फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस होते हैं वो क्या करता है, ट्रैफिक करता है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिक करता है। फिर जो सेकंड है वो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो क्या है, ऑल्सो प्रोविंस, वो क्या है, प्रोविंस है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो प्रोविंस है। और फोर्स्ड लेबर और बेगर एनी फॉर्म, बेगर्स जो होते हैं और जो लेबर्स जो होते हैं यानी कि जो लेबर्स होते हैं यानी मजदूर होते हैं उन पर क्या करता है, उन पर फॉर्म यानी कि ये क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। अब जो फाइनली जो बचा है यानी कि थर्ड जो बचा है, थर्ड लास्ट पॉइंट जो बता है वो क्या है, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। अब ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट है, प्रोहिबिट जो है, जो प्रोहिबिट को तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोहिबिट कहते हैं, वो क्या है, चाइल्ड लेबर की तरह है ना, राइट। अब ये क्या कहते हैं, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, जो राइट के जो ये वो राइट है जो एक्सप्लेनेशन के अगेंस्ट है, राइट। अब इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है, इसके बाद जो आता है हमारा राइट वो कौन सा आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि जो राइट टू फ्रीडम होता है वो रिलीजन के भी होता है, रिलीजन के लिए वो होता है। मतलब सिटीजन अलग अलग तरीके के सिटीजन जो होते हैं वो हमारे कंट्री में, उसमें भी उनके अलग अलग रिलीजन होते हैं, ठीक है। अब जिन भी वो, अब ये हमारे कंट्री में जितने भी रिलीजन, जितने भी सिटीजन सॉरी, उनके पास ये वाला जो होता है ये राइट होता है वो सबके पास होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्योंकि सबके पास क्या होता है, रिलीजन होते हैं अलग अलग, जैसे हिंदू मुस्लिम सो ये अलग अलग रिलीजन होते हैं। सो ये हो गया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये का समझ में आया। इसके बाद जो आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। अब ये कल्चर और एजुकेशन राइट क्या है, अब ये क्या है कल्चरल और एजुकेशन राइट, इसमें ये राइट जिसके पास होता है वो क्या होता है, वो जिस सिटीजन के पास विद ये वाला राइट होता है, ये राइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिटीजन के बाद वो एजुकेशन होते हैं, यानी कि एजुकेशन उनके पास होती है ना उन सिटीजन के पास। पर अब जो इस और जो इस जिस भी सिटीजन के पास ये राइट होता है वो कल्चरल होता है, कल्चर कर सकता है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट आता है वो हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम इज, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, जो ये होता है कि मेंशन राइट जो होता है, इन्हें मेंशन राइट भी कहा जाता है। अभी जो मेंशन राइट जो होते हैं, मेंशन राइट जो होते हैं ये एनफोर्समेंट होते हैं, एनफोर्समेंट करते हैं यानी किसी भी चीज पर, किसी भी सिटीजन पर ये फोर्स नहीं लगाते हैं। अब जैसे वो लगा रहे थे राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन वाले राइट जो है वो लगा रहे थे फोर्स पर, ये एनफोर्समेंट होते हैं, ये किसी भी सिटीजन पर फोर्स नहीं लगाते हैं। सो ऐसे राइट्स को हम क्या कहते हैं, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम इज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, वो आता है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट। अभी एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट क्या है, चलिए देखते हैं। सो पहले हमने क्या पढ़ा था, जो राइट्स के बारे में, पहले सबसे पहले क्या थे, राइट्स होते थे राइट, फिर यही राइट्स क्या बन गए, फंडामेंटल राइट्स बन गए, फिर यही फंडामेंटल राइट्स क्या बन गए, ये एक्सपेंडिंग हो गए, एक्सपेंडिंग राइट्स बन गए, एक्सपेंडिंग राइट्स। पर ये क्या हुआ कि पहले जो राइट थे वो सिंपल से राइट होते थे, फिर फंडामेंटल राइट हो गए। फंडामेंटल राइट में क्या था, कितने सारे राइट्स थे, और जो ये एक्सपेंडिंग राइट, फिर सबसे लास्ट में जो अब जो राइट्स चल रहे हैं वो कैसे हैं, एक्सपेंडिंग राइट्स, कैसे हैं, एक्सपेंडिंग राइट है, ठीक है। अब ये हो गया क्लियर। सो इसी के साथ साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।